तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं हूँ राजवीर सागर और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल एआरवी ब्रदर्स। तो भाई ये जो बाइक आप मेरे पीछे देख रहे हो ना, ये बाइक एफजेड है। ऐसी बहुत सारी बाइकें होती हैं जो गाड़ी में जिसमें हैंडल इस तरीके का होता है, ऐसा वाला होता है, ठीक है। अब ये आपको पता लग गया, ये मैंने क्यों बताया आपको, जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया है, हैंडल सीधा कैसे करें। हैंडल सीधा करने की बहुत ही सिंपल और बहुत सटीक ट्रिक बताऊंगा आपको मैं। थोड़ी अटपटी लगेगी देखने में, पर आपके बहुत काम आएगी वो। काफ़ी सारे भाई ऐसे होते हैं जो गाड़ी रोड पर चला रहे होते हैं, जिनकी गाड़ी गिर जाती है रोड पर, और गिरने के बाद हैंडल इतनी बुरी तरह टेढ़ा हो जाता है कि वो घर जाने लायक नहीं हो पाती, और वो हैंडल हल्का फुल्का सीधा करने की सोच रहे होते हैं कि हल्का फुल्का हैंडल सीधा हो जाए मेरा, जाके मैं घर चले जाऊँ, पर वो नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें पता नहीं होता। तो इस वीडियो को देखने के बाद हैंडल वो इतना सीधा कर लेंगे ताकि वो घर पर जा सकते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा बिल्कुल 0-0, ऐसा नहीं होगा, पर आप अगर आपकी गाड़ी का हैंडल अगर 0-0 भी करना है आपको, तो इस वीडियो को देख के आप कर सकते हो। तो यही इस वाली बाइक में अंदर एफजेड के अंदर हैंडल जो है इतना टेढ़ा है अभी ऐसा, इसका जो हैंडल वो ऐसे करके हैंडल है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, ठीक है, ऐसे है, हम ऐसे करेंगे। अब कैसे करेंगे ये चीज़ मैं दिखाऊंगा बाद में, पहले आपको मैं दिखा देता हूँ आखिर ऐसे है कैसे, पता लगा मुझे ऐसे है, ठीक है। आओ मेरे पास, आपको दिखाता हूँ वीडियो के अंदर क्या कैसे हैंडल्स का है। ये देखिए, सबसे पहले तो एक चीज़ देखिए, ये देखिए यहाँ का गैप, ये देखिए यहाँ का गैप कितना है, यहाँ देख रहे हो यही गैप, ये देखो यहाँ गैप नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर दिखाता हूँ आपको मैं, यहाँ देखिए कितना गैप है, ठीक है भाई, यहाँ देख रहे हो कितना गैप है। ये सबसे ज़्यादा बड़ी शिकायत होती है कस्टमरों की कि भाई मेरी गाड़ी में हैंडल में गैप आ रहा है, और यहाँ बिल्कुल भी गैप नहीं है, यहाँ देख रहा हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पार्ट है हमारा, ये वाला जो पार्ट है ये बहुत ज़्यादा डाउन है, और ये जो पार्ट है ये बहुत ज़्यादा सही तरीके, मतलब इस वाले पार्ट में कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला पार्ट टेढ़ा है। अब कैसे पता लगा मुझे ये वाला पार्ट टेढ़ा है, पास आके देखो यहाँ से पूरा टेढ़ा हो रखा है हैंडल, देख रहा हूँ। अब ये टेढ़ा तो हो रखा है, तो इसके अंदर नया डलेगा हैंडल, पता है आपको, पर टेढ़ा तो हो रखा है, पर तो क्या करना है, हमें सिर्फ आपको वीडियो में समझाना है हैंडल सीधा कैसे करेंगे। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर देना क्योंकि काफ़ी अमेजिंग इसमें बातें आपको सुनने को समझने को मिलेंगी। वीडियो देखने में थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी उटपटांग लगेगी, बट जो भी इसमें हरकतें होंगी वो सब इस हैंडल के लिए होंगी, ठीक है भाई। तो जल्दी स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो भाई सबसे पहले हम इस बाइक पर बैठेंगे, ठीक है भाई। बाइक पर बैठने के बाद हमें करना क्या है, मैं देखो सिंपल सी बात है, कैमरे को थोड़ा पास बुलाता हूँ, आओ भाई को समझना है। इसका गैप हमारा इतना है, ठीक है, और इसका गैप हमारा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस हैंडल को ऊपर की तरफ और पीछे की तरफ करना है, ऊपर की तरफ और पीछे की तरफ, ठीक है, क्योंकि यहाँ से ये पिचके इधर आ गया है। तो हम क्या करेंगे, हल्का सा इसको ऐसे पकड़ेंगे, और ये याद देखिए ध्यान से आप, ठीक है, यहाँ पर हमें पीछे की तरफ करना है इसको, ये देखिए हो रहा है ना पीछे। अब इसको देखना है हमें, अब इसमें कितना गैप आया, अब इसमें गैप इसका बढ़ गया है, देखो गैप बढ़ गया, बट दिक्कत यहाँ पे ये हुई है कि ये वाला जो हिस्सा है ये अभी भी और पीछे होगा हल्का सा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हल्का सा इसका टर्न आउट अगर बात की जाए ये एकदम स्ट्रेट है, और ये हल्का सा डाउन होगा और स्ट्रेट ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें हल्का सा इसको और पीछे करना है, अब इस तरीके से करना है, देख लो पीछे की तरफ, कहीं बाद में मेरे को बोलो, ये हो गया और पीछे, ठीक है। अब यहाँ पर इसको देखना है हमारा गैप कितना है, तो ये देखिए भाई गैप कितना आ रहा है इसमें, ठीक है, ये देखिए इतना इसको इधर कर रहा हूँ, फिर भी उसके बाद भी गैप आ रहा है, इधर दो उंगल बराबर गैप आ रहा है, और पहले कितना आ रहा था, और इसका देखो यानी कि गैप हमारा बराबर है, इधर देखो और इधर देखो, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें हल्का सा चेक करना है इसको इस तरीके से कि ये हमारा सीधा आ रहा नहीं आ रहा, तो अभी हम देखते हैं इसको एकदम ठीक है, और हल्का सा जो है हमें ये वाला हिस्सा, ये वाला जो पोर्ट पार्ट है ये हल्का सा हमें उधर की तरफ लग रहा है, उधर की तरफ यानी ज़्यादा लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको हल्का सा इस तरीके से हम उठा देंगे ऊपर की तरफ, कैसे उठाना ये चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा दूर से, ठीक है। देखिए भाई यहाँ पर खड़े होंगे हम, और यहाँ खड़े होने के बाद हमें इसको इस तरीके से उठाना है। अब आके देखिए भाई पास में, अब ये जो हमारा हैंडल है ये बिल्कुल परफेक्ट फिट है, यहाँ पर इसको देखा हमने गैप उतना ही आ रहा है, देख लीजिए इधर आके देखो भाई गैप कितना है, ठीक है भाई गैप उतना ही आ रहा है, मैं इधर दबाऊंगा हैंडल तो भी गैप उतना ही आ रहा है, और इधर की तरफ मैं दबाऊंगा तो भी गैप इतना ही आ रहा है जितना पहले आ रहा था, ठीक है भाई गैप दोनों बराबर है। और हैंडल की अगर बात की जाए पोस्चर की, तो हैंडल बिल्कुल सीधा हो चुका है, ठीक है। अगर आप चाहो तो इस वाले पार्ट को अगर ये इधर की तरफ आ रहा है तो आप पीछे कर सकते हो सेम ऐसे ही जैसे मैं बताया था ऐसे करके, ठीक है। आपको लगेगा पैर लगा रहा हूँ, बट ऐसा नहीं है, मजबूरी है, पैर लगाना पड़ता है थोड़ा बहुत। और एक बात और मैं क्लियर कर देता हूँ, हैंडल सीधा करने के बाद अगर आपको लगती है फिर भी गाड़ी टेढ़ी है, तो इसका मतलब ये होगा कि हमारी गाड़ी के आगे के सोकर के जो नीचे बॉटम होता है वो बॉटम खिसक के ऐसे हो गए हैं या खिसक के ऐसे हो गए हैं, जिसकी वजह से हम गाड़ी सीधी चला रहे हैं पर ऐसी चल रही है, या ऐसे चला रहे हैं तो ऐसी चल रही है। तो उस टाइम में हमें क्या करना है, हमें जिधर की तरफ हमारी गाड़ी चल रही होगी उधर ही की तरफ हमें लात मार के हल्का सा लात मारनी है। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पर आपको समझा देता हूँ, कोई बाद में मेरे को बोलो कि मान के चलो आपकी गाड़ी हमारी जो चल रही है वो हमारी गाड़ी सीधी करने पर ऐसे चल रही है, सीधी करने पर
ऐसे चल रही है ऐसे, ठीक है, सीधी करने पर ऐसे चल रही है। तो हमें क्या करना है, हमें इसको ऐसे ही करना है और उसके बाद इसमें यहाँ पर एलॉय व्हील के ऊपर खींच के लात मारनी है। लात मारने से क्या होगा, बॉटम वाला जो पार्ट है वो खिसक के ऐसे हो जाएगा सीधे, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे ये इधर ऐसे चल रही थी ना, तो ये ऐसे करके इधर ही हो जाएगी वापस। कहने का मतलब जिधर की तरफ चल रही है उधर की तरफ लात मारनी है, और जिधर उधर नहीं चल रही है उधर की तरफ नहीं मारनी, ठीक है भाई। इस तरीके से आपने देखा है कि मैंने हैंडल सीधा किया और वाकई में हो भी गया, आप देख सकते हो वीडियो के अंदर प्रॉपर तरीके से, ठीक है। मैंने इसमें कुछ नहीं किया ना, मैं इसमें कोई औजार लगाया ना कुछ लगाया, सिर्फ देसी तरीके से हल्की फुल्की जान लगाई है बस, ठीक है भाई। वैसे भी जिम तो छोड़ दी थी काफ़ी टाइम पहले, दोबारा ज्वाइन करूँगा। तो ये जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर ये जो नॉलेज मैंने आपको दी है, अगर पूरे यूट्यूब पर अगर किसी ने दी है तो मेरे को लाइक मत करना, वीडियो को शेयर मत करना, ना ही कमेंट करना और ना ही चैनल सब्सक्राइब करना, अगर पूरे यूट्यूब में किसी ने दी है तो। अगर नहीं दी है और मेरी वीडियो से आपने सीखा है, कुछ समझा है, तो इस वीडियो को लाइक करना, ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मुझे लगेगा यार क्या मैं फालतू में आपके आगे भैंस भी मतलब बीन बजा रहा हूँ फालतू में, है ना भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ साथ, आगे भी मिलते रहेंगे। और थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर।